अतुल अतुल चलो परागी का पीछा करना है। चलो। अरे 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 क्या क्या हुआ शिवा? क्यों रास्ते में बताती हूँ, चलो। क्या कर रही हो? कहाँ हो तुम? ओके ओके आई एम वेटिंग। शिवा तुमने सच में सीसीटीवी फुटेज सुना था? अरे हाँ फोन में मैंने उसे सीसीटीवी फुटेज बोलते ही सुना था। पता तो लगाना ही पड़ेगा अतुल। शिवा खड़े खड़े पैर दुखने लग गए शिवा, और अभी तक कोई नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं किया हमें फंसाने की प्लानिंग कर रही हो? अतुल इससे कौन मिलने आ रहा है ये जाने बिना हम घर नहीं जा सकते। एक काम करो तुम दो कुल्फी ले आओ, खाते खाते वेट करेंगे ना तो वेट लंबा नहीं लगेगा। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? यहाँ हमें पता नहीं है परागी क्या करने वाली है, तुम्हें कुल्फी की पड़ी है। चिल्लाओ मत, परागी सुन लेगी। वो पागल तो नहीं है कि इतने रात को घर से बाहर निकलेगी। हम भी देख के ही जाएंगे अतुल। कहाँ रह गया संजय? मैसेज भी नहीं देख रहा है। साइना जी कहीं हमारे प्लान में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? अभी कैसा लग रहा जी? बेटर। बस करना संजू, ठीक है अभी पेन कम है। ठीक है ना? क्या हो? तू कहीं जा रहा था ना? हाँ वो परागी। परागी? अब परागी के साथ जो डिवोर्स केस चल रहा है उसी के सिलसिले में डिवोर्स लॉयर से बात करने के लिए जा रहा था। अब ठीक है, अगर अभी भी टाइम है तो तुम निकल जाओ, मैं और भाभी आशी का ख्याल रख लेंगे। ठीक है मैं निकलता हूँ। संजू डिवोर्स मतलब रिश्ता खत्म, तो प्लीज एक बार और सोच लेना प्लीज। सब कुछ सोच कर ही डिसीजन लिया है दी, अब नहीं बदलूंगा। आप प्लीज अपना ध्यान रखिए। कहाँ हो तुम संजय? अब तक आए क्यों नहीं? अगर संजय नहीं आया ना तो पूरे प्लान पे पानी फिर जाएगा। तुम्हारी बहन, इसका तो घर बार बर्बाद हो चुका है, इसको नींद नहीं आने वाली है। खामखा हमारी भी नींद खराब कर रही है। चलो चलते हैं। कहाँ रह गए थे तुम? इसमें सारे सबूत है ना? थैंक यू सो मच। इतना वेट करवाया तुमने, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो क्या? नखरे तो गर्लफ्रेंड वाली है। क्या? मेरा मतलब है कि वो आशीदी के पैर में चोट लग गई थी। आशीदी के कैसे? अरे तुम दी की बात छोड़ो, ये लोग जो अभी पीछे हैं उनका क्या करना है? अरे अरे ये कहाँ गायब हो गए? अरे अभी अभी तो यही थे। अरे पता नहीं कहाँ गए। ठीक है रिलैक्स शिवा, पर आ गई है ना, घर वापस आएगी तब देखते हैं। चलो चलो चलो, चलो। थैंक गॉड जो दाना हमने डाला था उसके पीछे पीछे ये लोग आ गए। अभी तक सब कुछ सही हुआ है, आगे भी सही होगा, डोंट वरी। क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? संजू अतुल भैया ने मुझे शतरंज खेलना सिखाया था, आज उन्हीं के खिलाफ चाल चलनी पड़ रही है। मैं समझ सकता हूं परागी, अपनों के साथ लड़ने से पहले अपने साथ लड़ना होता है।
लेकिन हमें ये लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि यही सही की लड़ाई है। हम पीछे नहीं हट सकते। अब भगवान श्री कृष्ण को देख लो, उन्होंने तो सही के लिए अपनों के साथ लड़ाई लड़ी थी। तुम्हारे लिए गीता का ज्ञान सिर्फ यही है कि सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करो, और ये बिल्कुल मत सोचो कि कौन अपना है और कौन पराया है। सब ठीक हो जाएगा। करेक्ट। अब जब जूझना पड़ रहा है तो ऐसा लगता है कि क्यों ही बड़े हो गए, क्यों ही मैच्योर हो गए। बच्चे थे तो सब कुछ कितना अच्छा था, अपना पराया, तेरा मेरा, पैसा वैसा, इन सब चीजों की कोई फिक्र ही नहीं थी। और आज देखो, खुद को साबित करने के लिए लिटरली अपनों से ही लड़ना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे हर दर्द को समझता हूँ, मैं भी सेम हालातों से गुजर रहा हूँ, लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जब संगी साथ हैं तो सब कर लेंगे। और एक सवाल, अगर तुम बच्ची होती तो हम दोनों मिलते कैसे? बच्चे होते तो भी हम मिलते। कैसे? तोतली तोतली बातें करते, कल मिलते दलूल और बोलते हाय तंदू, हाय पल्लू। जी जी हाँ, हमारी तैयारी तो नहीं नहीं कोई बात नहीं जी, ठीक है, नमस्ते। क्या बात है बीबी, कब तक आ रहे हैं लड़की वाले? भाभी वो एक्चुअली लड़की की तबीयत खराब हो गई है, तो वो लोग कल आएंगे। जवान लड़की है, क्या हुआ उसे? फूड पॉइजनिंग, आप तो जानती है ना, आजकल के बच्चे कुछ भी बाहर का खा लेते हैं। खैर कोई बात नहीं बेबी, कल रात से मेरे मन में एक बात चल रही है। क्या हुआ भाभी? मैं खुद एक लड़की की माँ हूँ, इसलिए ये बात शोभा तो नहीं देती है, अगर परागी ने मेरे मन में ऐसा वहम बिठाया है ना कि अब मैं बहुत सतर्क हो गई। पर बात क्या है भाभी? प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर? हाँ बेबी, मैंने ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया है लड़की के बारे में जांच पड़ताल करवाने के लिए। काश परागी की भी इंक्वायरी करवाई होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। बेबी मेरा मुंह दूध ने जलाया है, मैं छाछ भी फूक फूक कर पीऊंगी। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि संजू के लिए जो भी रिश्ता आएगा पहले मैं उसकी जांच पड़ताल करवाऊंगी। सामने से सब मीठे बनते हैं, बाद में जाके सब कड़वे हो जाते हैं, इसीलिए ये जरूरी है। और हो सकता है उन लोगों ने भी संजू की जांच पड़ताल करवाई हो, फिर इसमें बुराई क्या है? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? भाभी आपने कुछ गलत नहीं किया है, आप ये विजिटिंग कार्ड मुझे दे दीजिए। ओह नो भाभी, आपने ये क्या किया? ऐसे तो उस लड़की की सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, फिर मेरी और प्रमोद की सारी प्लानिंग धरी रह जाएगी। अब कुछ तो करना पड़ेगा। अब पता नहीं मुझे सर दर्द होगा या सर्दी होगी। तुमने आइसक्रीम के ऊपर ये चाय जो पिला दी है अच्छी तो है। अच्छी है। अच्छा तुम्हारी बाइक की चाबी मेरे पास है, ले लेना। ओके। और अब तुम जाओ अपने घर, मैं अपना रास्ता पकड़ती हूँ। अभी से। इतनी जल्दी क्या तुम्हें जाने की? हाँ वर्मा जी, वर्मा जी एक्चुअली मैं बाहर हूँ, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। जी जी ओके ओके भाई।
संजू की बाइक यहां पर? हेलो चाचू, चलो। संजू, ये चाचू यहाँ कहाँ से आ गए? और वो जो पैकेट है वो तुम्हारी बाइक पे रखा है, इतनी इम्पोर्टेंट चीज तुम कैसे भूल सकते हो? तो तुम कैसे भूल सकती हो? तुमने रखा था यहाँ। क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करेंगे? एक काम करते हैं, चाचू के जाने का वेट करते हैं। चाचू का फोन। बिना बात के इतना इंतजार करना पड़ गया, इतने में तो मैं चाट और कुल्फी दोनों का मजा ले लेती। कुल्फी और चाट के बारे में छोड़, और यो पैकेट कहाँ है वो बता। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। हमें पता है जीजा जी, आप दबंग हैं, ऑलरेडी इतने डरे हुए हैं, ऊपर से आप भी डराओगे तो हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। और जीजा जी, आपकी दबंगाई के जलवे ना खत्म होने वाले हैं। अरे वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि मुझे इतनी अर्जेंसी में क्यों बुलाया? हेलो, हाँ चाचू। चाचू आप? संजू तू यहाँ? मैं तो तेरी बाइक देखकर रुक गया, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? बीबी ने मुझे कहा कि तू लॉयर से मिलने गया है, और लॉयर का ऑफिस तो हाँ उस तरफ है। उस तरफ है चाचू। वो आज प्लीज आप किसी से शेयर मत कीजिएगा, मेरा सुबह से मन थोड़ा खराब हो रहा था, और ये वो जगह है जहाँ पर मैं आकर थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, यहाँ की चाय मुझे बड़ी पसंद है, तो मैंने सोचा कि आकर चाय पी लेता हूँ, थोड़ी देर अपने साथ रहूँगा तो अच्छा महसूस करूँगा। ये दो चाय और क्या? एक सेकेंड। नहीं नहीं चाचू, कोई और भी है तेरे? नहीं है, कोई और नहीं है। वो एक्चुअली मैं ये चाय वाला मुझे जानता है, परागी के साथ मैं कई बार यहाँ पर आया हूँ, तो उसने मुझे देखा और अचानक से दो चाय ले आया। एक्चुअली मैंने उससे कुछ कहा नहीं, मैंने सोचा कि अब उसे क्या एक्सप्लेन करूँगा, रख ली, सोचा कि मैं ही पी लूँगा। संजू, अगर पुरानी बातों में अटका रहेगा तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ेगा? हाँ चाचू। चल बाकी की बातें रास्ते में करते हैं। कब दे, मैं डस्टबिन में फेंक कर आता हूं। ठीक है। अपने प्लान के पार्ट टू को शुरू करने का। क्या सीसीटीवी फुटेज? पर मैंने तो मास्क लगाया हुआ था, पर बाद में उतार भी तो दिया था। इसका मतलब आप आसानी से पहचान में आ सकते हो, है ना जीजा जी? सुनो साले साहब, अगर मैं गया तो डूबोगे तुम भी। अरे जीजा जी, कैसी बात कर रहे हो आप? क्यों डूबने डुबाने की बातें कर रहे हो? डूबना नहीं है, हमारी जो नैया डूब रही है ना, उसे तैर के पार करवाना है। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है यार, दो दो आईएएस इन्वॉल्व है, मेरी तो नौकरी जाएगी। दामाद जी, आप? हाँ
आप कब आए? जीते रहो जीते रहो। मैं बस अभी आया। अच्छा, आप किसी की नौकरी चली जाने की बात कर रहे थे? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अब जी जी सब ठीक है, बस आपका आशीर्वाद है। वो तो मैं अपने एक दोस्त की नौकरी के बारे में भैया को बता रहा था। अच्छा। मम्मी जी, आप ना परागी पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। इतनी रात हो गई है, अभी भी वापस घर नहीं आई है। अब लोग बातें नहीं बनाएंगे तो क्या होगा फिर? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अरे जीजू आओ। दीदी आई है। वैसे जॉब कैसी चल रही है आपकी? सब अच्छा चल रहा है। परागी, बेटा तू इतनी रात को कहाँ चली गई थी? मम्मी, एक अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ा, कुछ देखने गई थी, टेक्निकल इश्यू की वजह से देख नहीं पाई। मम्मी मैं ना बहुत थक गई हूँ, मैं जाके थोड़ा आराम कर लेती हूँ। आप खाना रख दीजिएगा, मैं गरम करके बाद में खा लूंगी। ठीक है बेटा, नींद आ रही है तो जा। गुड नाइट जीजू। गुड नाइट। मैं जरा इसे खाना देकर आती हूँ। जी। का मतलब ये है कि परागी ने अभी तक वो फुटेज देखी नहीं है। हाँ, मतलब वो फुटेज कल देखेगी। तो अगर हम चाहें तो परागी के देखने से पहले ही वो पैकेट हम उसके रूम से आज रात को गायब कर सकते हैं। सुषमा जी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, लड़की वाले आज आए या कल, लेकिन मैं उन लोगों से नहीं मिलने वाला हूं। फिर दोबारा ये बात दोहराने का क्या मतलब? विनोद जी, आप जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं। अरे, लड़की का पिता अगर नहीं होगा तो लड़की वाले क्या सोचेंगे? लड़की वालों से कह दीजिएगा कि लड़के का पिता मर चुका है। विनोद जी, घर में ऐसे ही कम क्लेश है जो आप इस तरह की बात मुंह से निकाल रहे हैं? सुषमा जी, सही तो ये होता कि हम दोनों बच्चों को साथ में बिठाकर समझाएं, लेकिन आप तो दूसरी शादी के लिए लगी हुई हैं। भाई साहब, संजू डिवोर्स लॉयर से मिलकर आ रहा है, और अगर भाभी जी संजू के लिए दूसरा लाइफ पार्टनर ढूंढ रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें गलत क्या है? और मैं आपको बता दूं, मेरे दोस्त वर्मा जी की बेटी संजू के लिए परफेक्ट है। देख संजू, लाइफ तेरी है, हम तुझे सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन फैसला तो तुझे लेना है ना। तू बता, कल लड़की वालों को बुलाना चाहिए या नहीं? पता नहीं इतना डिस्कशन हो क्यों रहा है। परागी के साथ अभी मेरा डिवोर्स हुआ नहीं है। एक बार डिवोर्स हो जाए उसके बाद आपको जो करना है आप कर लीजिएगा। अभी से शादी की बात कर रहे हैं आप? संजू, इतना अच्छा रिश्ता है, फिर क्यों उन्हें वेट कराना? और वैसे भी लड़की वालों को तो हम हाँ कर ही चुके हैं, तो मिलने में क्या हर्ज है? हाँ बेटा, और कौन सा हम कल ही शादी करवा रहे हैं? एक बार लड़की से मिल लो, देखो सोच बैठती है कि नहीं, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। पर आगे को अगर भनक भी लग गई ना, तो सबसे पहले मुझ पर अटैक करेगी। संजू क्या सोच रहे हो, एक बार लड़की की फोटो तो देख लो। ये देखो कितनी प्यारी है लड़की। टिया, टिया वर्मा नाम है इसका। फॉरेन में इसने एजुकेशन कंप्लीट की है, फुल मॉडर्न, और संस्कार फुल इंडियन। बिलीव करो मेरा, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। संजू, संजू, संजू एक बार तू मना कर ले, बाकी सबसे मना करवाने का काम मेरा है। पापा, आप किनारों के पास उठ रही लहरों का शोर सुन सकते हैं। एक बार गहरे समुंदर की खामोशी को महसूस करने की कोशिश कीजिए। जो हो रहा है उसे होने दीजिए, एंड बिलीव मी, आखिरी में सब कुछ सही होगा। गलत फैसलों का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता है संजू, कुछ अच्छा नहीं होगा।
पर भाई साहब, संजू ने अपने मन की बात तो कह दी है, अब आप भी हमारी तरह इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। और वैसे भी संजू ने परागी को भूल करके आगे बढ़ने का मन बना लिया है। विनोद जी, आपके बेटे की नई खुशियां दहलीज पर खड़ी है, उस परागी के लिए प्लीज प्लीज उन्हें मत ठुकराइए।